कमलेश तिवारी के परिजन सीएम योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में मिले, दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग। सीएम आवास पर मुलाकात के बाद योगी ने आश्वासन दिया कि उनके साथ न्याय होगा और दोषियों को सजा मिलेगी। आरोपियों से जुड़े कई अहम सुराग पुलिस को हाथ लगे, लखनऊ स्थित होटल खालसा से बैग और खून सने कुर्ते बरामद। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी होटल के रिसेप्शन पर दिखे, पुलिस ने जल्द दोनों आरोपियों को गिरफ्तारी का दावा किया है। वहीं सूत्रों के मुताबिक पीड़ित परिवार ने तिवारी के बेटे को सरकारी नौकरी देने, परिवार को सुरक्षा देने, सुरक्षा के लिहाज से परिजन को असलहों के लाइसेंस देने, उनके मोहल्ले का नाम तिवारी के नाम पर करने, लखनऊ में तिवारी की मूर्ति स्थापित करने और पूरे मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करने की मांग की। मुख्यमंत्री उन्हें समुचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। वहीं मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद तिवारी की पत्नी किरण ने बताया, सीएम योगी ने हर संभव कार्रवाई का आश्वासन दिया है, हम उनसे हुई मुलाकात से संतुष्ट हैं। हमारी मांग थी कि हत्यारों को फांसी की सजा दी जाए, तिवारी की मां कुसुमा ने कहा, हमने सीएम से कहा है कि हमारे बेटे को न्याय चाहिए। सीएम योगी ने इसका भरोसा देकर हमें बहुत कुछ दे दिया है। महाराज जी आश्वासन दिए कि हम इसकी कार्रवाई करेंगे, हत्यारों को जल्द से जल्द हम फांसी की सजा दिलवाएंगे। आप सेटिस्फाइड जी? आपको लगता है उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है महाराज जी से कि करवाएंगे, उनको फांसी की सजा दिलवाएंगे। हम यही मांग कर रहे थे कि फांसी की सजा उनको दिलवाओ, हत्यारों को। उन्होंने बुरी हम आश्वासन जी, बहुत अच्छा लगा। महाराज जी तो हमारे सबके पहले से पूज्य थे। हम ये मुख्यमंत्री के चलो उनसे मिलने तो चले आए, लेकिन वो पूज्य हमारे बहुत पहले से थे, उनको हम बहुत पहले से पूजते थे, वैसे थे ही पूजने वाले, तो हमको बहुत बहुत बैठ के बात की, बहुत अच्छा लगा। आज मुख्यमंत्री से मिलके आपको लगा कि परिवार के साथ में कोई बड़ा हम कैसे? जी जी, इसीलिए तो मिलने आए थे कि हमारे और कोई बड़ा कोई सुनने वाला व्यक्ति नहीं, महाराज जी सुनेंगे मेरी बात, इसलिए मिलने आए थे मुझे।